उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में सेना की भर्ती की तैयारी में 13 जिले के युवा अयोध्या मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद पहले डाबा से अमर के पास प्रयागराज हाईवे जाम किया। उन्होंने इंडियन आर्मी की भर्ती की मांग की है। एसपी सिटी ने समझा बुझा कर युवाओं को वापस किया। पूरा कलंदर पुलिस के खदेड़ने के बाद युवाओं ने कोतवाली नगर के नाका पर हंगामा किया, जिसके बाद सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर भी अपनी मांग को लेकर हंगामा किया। एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने कमान संभाली। युवाओं का आरोप है कि 2 साल से सेना भर्ती नहीं आ रही है, जबकि उम्र ज्यादा होती जा रही है। साथ ही युवाओं ने 2 साल उम्र बढ़ाने की मांग की। थल सेना अध्यक्ष को संबोधित एसपी सिटी को सौंपा ज्ञापन। अंबेडकर नगर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, अमेठी समेत 13 जिलों के युवा मुख्यालय पहुंचे। एसपी सिटी ने समझा बुझाकर युवाओं को वापस किया। अमेठी एआरओ के जो 13 जिले हैं, जैसे कि प्रतापगढ़ है और फैजाबाद है, अंबेडकर नगर है, कौशाम्बी है, बस्ती है, और भी जो 13 जिला हैं, सभी लोग आए हुए हैं भैया यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए। हमारी इंडियन आर्मी की भर्ती जो है दो तीन साल से नहीं आ रही है, और इस साल भी आने की उम्मीद कम लग रही है। हम लोग चाहते हैं कि 2021 के लास्ट तक, हम अक्टूबर तक हम लोग की इंडियन आर्मी की भर्ती आ जाए। युवक लोग हैं और जो पुलिस में आर्मी में भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये लोग जो है आज अपनी मांग के लिए कि हमको नौकरी मिले और भर्ती हो, इस बात को लेकर के लोग इकट्ठा हुए थे। इनको समझा बुझा कर शांत पूर्वक इनका डिस्पर्सल हुआ और बाकी सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए हैं। इनकी जो मांगे हैं वो उनके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पहुँचाई जाएंगी, और ये लोग, इनका डिस्पर्सल हुआ है, चले गए हैं। कुछ लोग ये थे, आए थे, इनको समझा बुझा करके आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, इन्होंने ज्ञापन बनाया था और उस ज्ञापन को हम जो है उचित माध्यम से सक्षम स्तर तक हम पहुंचाने के लिए मैंने आश्वासन दिया है, जो इनकी मांगे हैं।